के करीब ये जगह है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग खुदाई करके बजरी निकाल रहे हैं ताकि वो हमें काम आ सके, और बोरिंग में जो थोड़ा बहुत बजरी का काम रहता है वो आज हम इससे मुकम्मल कर लें, क्योंकि अगर वो मुकम्मल नहीं करेंगे तो कैसिंग लेंगे और उसके जो है ना पाइप्स वगैरह की फिटिंग में नुकसान हो सकता है। यहाँ पे आके हम बैठ गए हैं, ये आप मोटू को देख सकते हैं, फिर से हमारे साथ है। आज यहाँ पे रेता लोड किया जा रहा है नाले के बीच में से, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि एक रक्शे से भर जाएगा, नहीं तो फिर दूसरे में यकीनन इंशाल्लाह भर जाएगा। और यहाँ पे आप वलीद भाई को भी देख सकते हैं, थोड़ा मौसम गर्म हो गया क्योंकि हवा बंद हो गया है। हाँ इसमें भाई क्या बना रहे हैं यार? मुर्गा बना रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, आप देख सकते हैं आज विलेज में फिर से बोरिंग पे आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं खाली है सारा, पहले रश भरा होता था, अभी लड़के आ रहे हैं उस तरफ से, अब देखते हैं क्या बनता है। मेरे ख्याल से रक्षा भी आ गया है बंदों के साथ। वलीद भाई के साथ अब हमने जो है ना देगची चढ़ाई है और गोश्त भी तकरीबन हमने काट के रखा हुआ है, अभी प्याज बन रहा है, इसके बाद फिर उसमें शामिल करेंगे टमाटर। ये टमाटर है, ये गोश्त है, और यहाँ पे प्याज बन रहा है आप देख सकते हैं। और हर तरह हर बार की तरह इस बार भी कलेजी वलीद दाद ने पहले डाल दिया है खाने के लिए। माशाल्लाह बेहतरीन ठंडी हवा चल रही है और सालन भी पकने के करीब है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं सूरज जो है ना बादलों के बीच छुप गया है, और आप दरख्त के जो है ना झूलने से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी जो है ना ठंडी हवा चल रही है माशाल्लाह, और ज़बरदस्त मौसम है। ये देखें सालन तैयार होने के करीब है। Yeah।